नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लाइफ इज अ गिफ्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जहाँ पर भगवान विष्णु का बसेरा है वहीं पर बसते हैं शिव जी भी। आजकल आपने कई ऐसे मंदिरों के बारे में सुना होगा जिनके बारे में मान्यताएं प्रचलित है कि वहाँ साक्षात भगवान का वास होता है, लेकिन क्या आपने कभी यह भी सुना है कि भगवान का बसेरा किसी तालाब आदि में भी हो सकता है? जी हाँ, भारत देश में तो ऐसे बहुत से मंदिर जिनकी सुंदरता हमें उनकी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन आज हम भारत नहीं बल्कि नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर की बात कर रहे हैं। बता दें कि ये मंदिर नेपाल के शिवपुरी में स्थित, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर यहाँ का सबसे भव्य, सुंदर और बड़ा मंदिर है। यहाँ मंदिर में विष्णु जी की सोती हुई प्रतिमा विराजित है। माना जाता है कि इस मंदिर में विराजमान इस मूर्ति की लंबाई लगभग 5 मीटर है और तालाब की लंबाई 13 मीटर है। ये तालाब ब्रह्मांडीय समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस मूर्ति को देखने पर इसकी भव्यता का एहसास होता है। तालाब में स्थित विष्णु जी की मूर्ति शेषनाग की कुंडली में विराजित है। मूर्ति में विष्णु जी के पैर पार हो गए हैं और बाकी के 11 सिर उनके सिर से टकराते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रतिमा में विष्णु जी के 4 हाथ उनके दिव्य गुणों को दर्शाते हैं। बता दें, पहला चक्र मन का प्रतिनिधित्व करता, दूसरा शंख 4 तत्व दर्शाता है, कमल का फूल चलती ब्रह्मांड दर्शाता है और गदा प्रधान ज्ञान को दर्शाता है। जहाँ मंदिर में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान है, वहीं भोलेनाथ पानी में अप्रत्यक्ष रूप से विराजित है। माना जाता है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का पानी गोसाई कुंड में उत्पन्न हुआ था। लोगों का मानना है कि अगस्त में होने वाले वार्षिक शिव उत्सव के दौरान झील के पानी के नीचे शिव की एक छवि देखने को मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से विष निकला था, तो सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शिवजी ने इस विष को अपने कंठ यानी गले में ले लिया था, जिस कारण उनका गला नीला हो गया था। इस कारण ही भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। जब जहर के कारण उनका गला जलने लगा तो वे काठमांडू के उत्तर की सीमा की ओर गए और झील बनाने के लिए त्रिशूल से एक पहाड़ पर वार किया, जिससे एक झील बनी। कहते हैं इसी झील के पानी में उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। कलयुग में नेपाल की झील को गोसाई कुंड के नाम से जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल लाइफ इज अ गिफ्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।